इंसान, तकदीर और तदबीर, ये तीनों मिलकर इस जमीन पर हर रोज करोड़ों कहानियों को जन्म देते हैं। इंसान का खालिक खुदा है, तकदीर फरिश्ते लिखते हैं, तदबीर इंसान करता है। शेरां दे पुत्तर शेर की कहानी में खुदा के पैदा करदा इंसान भी हैं, फरिश्तों की लिखी हुई तकदीर भी है और इंसानों की तदबीर भी है। इस फिल्म के फिल्म साज मसूद खां हैं, हदायतकार एस ए बुखारी हैं, मुसन्निफ मैं हूँ और मुनसिफ आप हैं। ये फिल्म देखने के बाद फैसला आप करेंगे कि फरिश्तों की लिखी हुई तकदीर ताकतवर होती है या खुदा के पैदा करदा इंसानों की तदबीर। आपके फैसला का मुंतजर तनवीर काजमी। चल मैं तेरे नाल चलना, आ जा। कभी हरे नहीं हो खानू इस हवेली चो रोंदा निकलिया ते तुसी आते जाओ प्यो दिया जमीन ते अपने हाल चला दियो। चौधरी जे खान किसी ने हलवा तो डकिया तो फिर ये भी तो पूछने वाली गल है, जरा हाल से कली सामने आवे ओदे उत्तर हाल ला दियो। समझ गया चौधरी जी, आ मेरे नाल उठो जवानो। चौधरी जी मैं परदेसी हाँ, ते मैं पता नहीं सी परदेसी है।
अजय पता लगे कि नहीं चाहती जी मुझे माफ कर दो हूं तेरे पिंड जाएगा उस पिंड वाले जाके कह दी कि चौधरी फैदू की हवेली अगो उच्ची दाउन करके लगन वाले का यही चाहता है कहा हो जा इस हवेली चो कभी भी कोई गरीब हंसता बाहर नहीं निकलिया सानू सच आखी चौधरी और पर तू सिर क्यों नीवा कर लिया मेरे सिर ते फैजू दे कर्ज दा भार भी है ते ओदे जुलम दा खौफ भी इन्हां दोहां गल्लां ने सिर नीवा करन ते मजबूर कर दिता चौधरी जुलम दा खौफ तू अपने दिल चो कर दे ते कर्ज दा भार मैं तेरे सिर तो ला देंगा दौण उची कर ते आ मेरे नाल साडे चट्टे भी कदी हरे नहीं होए और आ चाचा जमाल तेरे आने की खुशी तो होंगी है पर दुख इस गल का है जो भी तू मेरी हवेली च आना किसी गरीब की सिफारिश ही बन के आना तू बंदा बन जा फैजू तो मैनू सिफारिश बनने की लोड़ ही ना पै बह जा खानू और खानू अपनी जात तो उच्ची कुर्सी तेरे बैठ फैजू उच्ची जात वाले ने भी गल की और नहीं चाचा तू गल समझे मेरे कहने का मतलब यह गरीब नजारा तेरे बराबर ना बैठे अब बह जाओ खानू मैं चाचे नाराज नहीं कर सकता नहीं फैजू हूं एक गल इन पैरों से खलोते होगी तो बैठेगा तू ही नहीं और मैं तेरा ताबेदार हाँ चाचा तू हुक्म से कर खानू ने भैन के ब्याह लिए तेरे को कितना कर्जा लिया से 1000 रुपया पर 1000 रुपए लिए इस गरीब दी जमीन से कब्जा करना चाहना है अला 1000 रुपया और रकम से आ गई चाचा पर तू बड़ी देर ना लाए मेरे बंदिया ने जमीन उत्ते कब्जा कर लिया होगा और तू रकम साम फैजू तेरे बंदिया को लाया सलाह दे बंदे की जमीन छुड़ा मैं आप जाना वा आ खानू नहीं चाचा तू हाथ चुक लिया ना ते किसी को डकिया नहीं जाना मैं तेरे नाल आप चलना मैं अपने बंदे नु आप रखूंगा माई ए हल असी चौधरी फैजू तो अपना बाल आया जान की लोड़ी ते को जा मैं अगो कि हट जा ए जमीन मेरी है मैं जान दे देवे पर तू हल नहीं मान देंगे लगावे मेरे उत्तों की हल और नूरिया जे हराम मौत मरना चाहती है तो मरन दे तू और लगा दे उस हल अपने पुत्रों ढक लिया मैं मार देंगे ओए बड़े अरसे बाद मेरे शेर पुत्रा नु शिकार लगा इन्हों जरा हाथ से गर्म कर लेंगे चाचा उन्होंने हाथ गर्म होंदे तक 2-4 बंदे ठंडे हो जाएंगे शेर पुत्रो इना बगैर तू इनी मारी बतेरी है ये बंदे दे पुत्र होए तक तो किसी गरीब ना जुलम नहीं करेंगे रब्बा इन्हों जुलम करने वास्ते फैजू ने चोरिया साडा हाथ डकन नहीं तू कल ही आ गया फैजू तू मेरा यार जरूर है पर कितने यह ना हो कि तेरा जुलम डकन ले मैं यारी भी कंध अपनी पवे और नहीं हो बाल रहा तेरी मेरी यारी कब्र की कंध तक नहीं मुक सकती आओ नामे चलिए ओए बंदे का पुत्र रब को नहीं डरता इस डंडे को डरता है जाओ मेरा पुत्र तुम अपना अपना काम करो जाओ नावे खानू आज तो तेरा कर्जा भी लै गया बेफिक्र होकर दब के वास्ते रज के खा रब तेरा भला करे चौधरी तेरा भी पता कर
भाई बादरा माशाल्लाह इस जुमे तेरे काके अनवर दा अकीका है। मेहमाना दे खान पीन दा की बंदोबस्त करिए। मैनू की पता होया बा तेरे ते लाले जे होंदिया मैनू मशवरा देण दी की लोड़ है। मैं ते सिर्फ अपने यारा दोस्तों नूं इतला कर देंगा, बाकी सारा बंदोबस्त तुसीं आप करोगे। क्यों लाला? आखो भाजी तुहानूं तकलीफ करन दी की लोड़ है, मैं सारा बंदोबस्त आप करांगा। हुण बस करो गल्लां, अद्धी रात हो गई है, सौणा नहीं? सौ जाएंगे भाभी, अजे सानू नींद नहीं आई। एना इस तरह नहीं उठना भैन सलमा, तरीका मैं दसनी। उठा करमा वाले, चल सौ। हुण ते सौना ही पै गया भाई, सरकारी हुक्म जू आ गया। ठहर जा करमा वाली, अनवर नू ते नाल लै लईए। ए दोवें भरा कट्ठे ही सौंदे ने, तुसी चलो। चंगा भाई, हुण तुसी भी दोवें आराम करो ते मैं भी चल के सौना। पिंड दी अलड़ मुटिया अलड़ मुटिया, मेरे नाल नाल नचदी बहार, मेरे नाल नाल नचदी बहार। मैं ते पिंड दी अलड़ मुटिया अलड़ मुटिया, पिंड दी अलड़ मुटिया अलड़ मुटिया। मेरे नाल नाल नचदी बहार, मेरे नाल नाल नचदी बहार। मैं ते पिंड दी अलड़ मुटिया अलड़ मुटिया। चौधरी तू पिंड का मालक हो गया भी जमाल के पुत्रां नूं अख मिला के गल नहीं कर सकता, और मैं तो इंज लगता तू ओहदे कोल डरना है। और डरदा तो मैं अपनी मौत कोलों नहीं, तुसीं पंज सत जने भी उन्हां दा कुछ नहीं बिगाड़ सके, ते जो कुछ उन्होंने ताड़ा आशर किया है वह तू चंगी तरह जानना। जमाल दियां दो जवान ते मजबूत बाहां ने ते मेरियां किराए दियां, उन्हां लई ताकत नहीं कोई चाल इस्तेमाल करनी पएगी। पर कोई गल नहीं, साढ़े चिट्टे भी कभी हले नहीं हुए। बिल्कुल ठीक आखी, तिन्नी मिंटी किसी का खाना खराब करना तेरे गामे फैसू। आहो भी आहो, तू यार जो हो ये गल तू कह सकना, और यार ही समझ के तो जुबान नाल गल कीती है, नहीं तो तैनू तो चंगी तरह पता है फैसू कि योजा गल्ला असं जुबान नाल नहीं कसून नाल करने होने। बिल्कुल ठीक है भाई, तुसी दोवें भरा कंडा जोड़ लो तो सारा पिंड अगे ला सकते हो। शेर जी होए, इसे गल का सानू माण है, एक शेर साडा यार है,
ते फिर शेर दे यारा तैनू खुशखबरी सुनावा। सुना। इस जुमे नू मेरे पुत्र अनवरदा की कह ते तू सारे काम छड़ के मेरे पुत्र की खुशी जरूर शरीक होना है। ए भी कोई कहण वाली गल चलिया ओ तेरे पुत्र दा हकीका होवे ते मैं शामिल ना होवां। ओ साडे भतीजे दा हकीका एडी शान नाल होएगा कि सारे इलाके तुमा पै जाणगे। ओ तुमा फेर पा लिया फैदू। पहला ये पैन दे पैरां च गलती है जंजीरा पा लै। ओ की गल होई है काका तेरी भैन जवान हो गई है फैदू। जेड़ियां तियां पैणा खेतां च नचण लग पैण उन्हां दा ब्याह छेती ना कर दिंदा। तू भी छेती ना इहदी डोली तोड़न दा बंदोबस्त कर। जे मैं इनू फिर नचदिया वेख लिया ना तो मैं ये लद्दा मान देगा। लाला मैनू ते इंज लगदा है पिंड दा मालक तू नहीं कादर है। ओ तेरी भैन नू पुत्तर तरुंदा तेरे सामने लाया तू ओना कुछ भी नहीं कर सकिया। वेख ले बहादरा ओ असीं तैनू यार समझने आ ते तेरे भरा ने मेरी भैन नाल किन्नी ज्यादती की। मैनू भी इस गल दा दुख होया फैसू। मैं हुणे जाके लाले नाल गल करना। ओ अपने भरा नाल गल करन गया ते मैं तैनू कहनी आ लाला जे तू मेरी बेइज्जती दा बदला ना लिता तेरे जहर खा के मर जावांगी। ओ तू फिक्र ना कर साफो साडे चट्टे भी कदी हल नहीं होए। मैं जो कुछ कीता ठीक कीता। साबो दी जगह मेरी अपनी प्यारी हुंदी ते मैं उन्हें भी इत्थे तरदील करदा। ए ते ठीक है लाला पर बकवास नहीं कर लाला। ओए बादरा तैनू वड्डे भरा के बोल दे शर्म नहीं आउंदी। ए ते ठीक है अब्बा जी पर मैं कोई गलत गल नहीं कीती। आखिर साबो मेरे यार दी भैण है। आहो पर ओए चलिया मैं उन्हू फैदू दी भैण नहीं पिंड दी इज्जत समझ के नचण तों रोकिया। ठीक है लाला झूठा ते मैं ही हां छोटा जू होया। बहना पुत्र कादरा जो तो छोटे भरा अपने बराबर दे हो जान ना उन्हां नाल जरा तमल मिजाजी नाल गल करी दी है ज्यादा डांटन नाल मुंह जोर हो जांदे ने। समझ गए? समझ गया अब्बा। जा फिर आराम कर। बीबी जी तुहानू अनवर दे पीके दी मुबारक होवे। खैर मुबारक। बीबी जी तुहानू मुबारक होवे। खैर मुबारक। बीबी जी तुहानू मुबारक होवे। खैर मुबारक। चौधरी तैनू पोतरे दे हकीके दी मुबारक होवे। खैर मुबारक खानू। मेरा अनवर पुत्र है मेरा अकबर पुत्र। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम शेर ममदा बह जा भाई। मामा जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जींदे रहो मेरे पुत्रों। जाओ भाई खेडो जाके। शाबाश शाबाश। तैन बहुत बहुत मुबारक हो चाचा जमालदीन। भाई तैन भी मुबारक ने ना खत्म नहीं हुई। सब कुड़िया की वारी खत्म तो हम साड़ी वारी है। उतर नहीं थले ले उतर दिया तेरा विरोध है। उतर दियो कि नहीं आ उतर नहीं आवाज छड़। तू भी उतर नहीं छोनू। मैं उतर कर जानी हां पर ताडे बाद ते मैं वारी रहनी है। अभी पिन छेड़ांगे ते वारी आएगी ना। नहीं लाला ठीक है भाई। खैर मुबारक भाई खैर मुबारक। मुबारक ते मैं लख लख करा दुआई रैन सलामत जोड़िया ते जून सिरा प्यार दी शराब वाला पी ले हाय मर जाना है कड़ी दी कड़ी दी। बंद करो ये मुजरा। एक कंजर खाना इतने लिया कौन है? ओए इन्हें मैं बुलाया कादरा मेरे यार दे पुत्र दा कीका सी। मैं सोचा ऐसे खुशी पिंडी खराब भी जाएगा तो कुछ पैसे ये लोग भी कमा ले जाएंगे। पिंड विच ते खड़ाक मैं नहीं होन देंगा फैदू ते इन्हां नू मैं नचियो बगैर ही पैसे दे देना। एले फड़ भाई ते चौके थे बोरिया बिस्तरा। ये असी मुजरा करन लई आए आ खैरात मंगल ले नहीं। हुण तू दस चौधरी फैदू
किस तरह ना बोला लाला, फैजू मेरा यार है, इन्हें मेरी खुशी लिए कजरी बुलाई है और फैजू की नहीं मेरी इज्जत का सवाल है। लाला जान दे अच्छा होए मेरे भरावा झूठे यार नहीं ये प्राग इतने चुकया सी हूं रब का वास्ता ही मां तक इसे नई और नहीं तो मेरी बाह टूट जाऊगी भादरा चौधरी जी कादर ने मुजरा बंद करा ले बादल नु कतल कर दिया। छोटे भरा गलती कर ले तो उन्होंने तप्पा त्रौल मारी दे तेरे जानू मार दे। तेरा ते कार ही निकल गया। पुत्र मर जान ते कार उजड़ी जांदे ने ऐ ते मैनू ही पता सी पर अज जवान पुत्र दी लाश वेख के मैनू हुण समझ आई है मापे बुढ़े क्यों हो जाते ने और लोग मां बुढ़ा हो गया जे मां बुढ़ा हो गया जे लोग पुलिस आ गई चौधरी। हाँ, पुलिस पुलिस क्यों आई है आ कतल जे थानेदार जी एनु अटकड़ी ला लो। नहीं थानेदार जी एनु अटकड़ी क्यों लाते हो ए कतल है ते कानून एनु सजा देगा। पर कानून एनु क्यों सजा देगा इन्हें कानून के पुत्र नु कतल नहीं किया थानेदार जी इन्हें मेरे पुत्र नु कतल किया इन्हू मैं सजा देंगा। दसो मेरे पुत्र नु क्यों मारे और क्यों कतल किया जो मेरे पुत्र नु कानून का काम है पर कातल दे वारसा नु सजा देन दा कानून नु कोई हक नहीं थानेदार जी। की मतलब मुजरम है वे मैं नहीं कतल इन्हें किया बीवी ने नहीं दे खून ना लाते ने रंगे ने ए बच्चिया ने नहीं थानेदारा अपने कानून नु आख दई कातल नु वड्डी तो वड्डी सजा दवे पर एक बेगुना प्यो कोलों दा जवान पुत्र एक बीवी कोलों दा सुहाग ते मासूम बच्चिया कोलों प्यो दा प्यार ना खोवे। तेरा कसूर नहीं चौधरी पुत्र दी मौत ने तैनू पागल कर दिता है तू जो कुछ कहना है अदालत जाके कवे। करीम बख्शा लाला इन्हू हथकड़ी तो लै चल थाने तो मैं मकतूल की लाश पोस्टमार्टम नहीं लैके अस्पताल चलना।
लाओ मंजी चुके। एक बाग चिखड़े दो कुल कठे है दुनिया खलोकी में बर्बाद हुए है समावेख के वैरी दिल शाद हुए जुल्म सितम दी चढ़ी हनेरी जुल्म सितम दी चढ़ी हनेरी सारिया खुशियां रोड़ के लै गई सारिया खुशियां रोड़ के लै गई एक सुहागन ओ एक सुहागन बेवा हो गई दूजी हो के अजोगी रह गई दूजी हो के अजोगी रह गई बाल बचारे अखियां पर बाल बचारे अखियां पर रोमन जारो जार रोमन जारो जार बाबा रब्बा कुदरत तेरी बाबा रब्बा कुदरत तेरी बदले रंग हजार बदले रंग हजार तकदिया हसदा वसदा तकदिया हसदा वसदा उजड़ गया करबार कुदरत तेरी लाला तेरे अब्बे ने मेरे अब्बे ने कत्ल कर दिता हूँ तू तो नहीं ना मनु मारेगा नहीं वीरा मैं तेनू किस तरह मार सकना वा तू तो मेरा वीर है तेरा अब्बा भी ते मेरे अब्बे का भरा ही सी ना फिर उन्हें अपने छोटे भरा नूं कदे लई मारिया सी इह ते मैनू भी नहीं पता आ जफ्फी पा के असीं दोवें भरा सौ जाईए अनवर तू ये सुट जाने अकबर नाल क्यों लेके आए चलो चल के अपनी मंजी ते सो नहीं चाची अनवर नूं मेरे नाल सौण दे मैनू इहदे बगैर नींदर नहीं आउंदी दे पर अमर इहदे बगैर नींदर नहीं आउंदी रब करे तू सुत्ता ही सौ जाए मेरे किले च ठंड पै जाए भैन रज़िया इहना मासूम बच्चियां दा की कसूर है दोवां नूं कट्ठियां सौण दी आदत है इहनां दा दिल ना तोड़ चुप करनी वड्डीए हमदर्द बीबीए मां नालों हेजली फफे कुटन सप दा पुत्तर सप ही हुंदा है ते मैं अपने पुत्र दे सिर ते दा साया भी नहीं पहन देना अकबर अनवर अम्मी चाची नूं की हो गया ओ अनवर नूं मेरे नाल क्यों नहीं सौण दिंदी की दसां बच्चा सबर कर खबरे तकदीर ने अजे किन्ने कु फट लाने ने चाचा मुकदमे का फैसला हो गया कि तरीक पै गई है ये मुकदमा शिशन सुपुर्द हो गया शिशन सुपुर्द हाँ सुरमा होएगा चाचा कादर दे बचन की कोई उम्मीद है कि नहीं कादर ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया ओनू सजा तो जरूर मिलेगी दिए पर जे कोई सियाणा वकील किया जाए ते खोरियो किसे कानूनी नुक्ते नाल उन्हूं बचा ही ले ते फिर चाचा किसे वड्डे वकील नाल गल करनी सी वड्डे वकील नाल गल करन ले वड्डी रकम दी लोड़ हुंदी है दिए तेरा जेवर ते पहले ही विक चुकिया है हुण ते बाकी जमीन ही रह गई है कादर दे हिस्से दी जमीन वेच के मुकदमे दे ला दे चाचा तेरा पुत्र बच गया ते अल्लाह सानू जमीन होर दे देगा पुत्र की जिंदगी पहचान ले मैं अपनी जान बेच सकना दिए जमीन दी कड़ी गल है जमीन बेचन तो पहला मेरा हिस्सा वक्त कर दे चाचा रसिया तू फिकर न कर पैना मैं तेरे हिस्से दी नहीं अपने हिस्से दी जमीन बेचागी जमीन ते मेरे हिस्से दी भी बिकेगी पर तेरा सुहाग बचाने लई नहीं
कादर नू फाय लवान ले। रजिया नू बन के इस घर चाई सा, पर रब दा वास्ता ही हुण तकदीर बन के सुजड़े घर नू अग न ला। मेरे सीने दी अग ते हुण उदों ही ठंडी होवेगी जदों इन्हां अखां नाल कादर दी लाश ते सलमा दा नंगा सिर वेखांगी। सच्ची तू भी ये पैणा, कसूर मेरा भी कोई नहीं। कसूर ते इस पिउ दा है जिहड़ा पुत्तर दे कातिल दी जान नहीं बचाउणा चाहुंदा है। रजिया तू मरन वाले दी बीवी बन के मैनु मुजरम कह सकनी है, पर जे तू एक पुत्र दी मां बन के वेखे ते तेनु मेरे सीने दा फट अपने जख्मा कोलो डूंगा नजर आवेगा। अजे ते तेरा फट होर डूंगा होएगा चाचा, बीवा मैं होई हां ते सुहागण इहनू भी नहीं रहण देंगे। अज फैसले की तारीख सी चाचा, की बढ़िया? मेरी यह हालत देख के भी कुछ नहीं है दिए, की बढ़िया? की मतलब? कादर नु मौत दी सजा दा हुक्म। मौत दी सजा? चाचा तकदीर अगे किसे दा जोर नहीं चलदा मेरी धीए, किसे दा जोर नहीं चलदा। तकदीर अगे ते जोर नहीं चलदा चाचा, पर मैं तकदीर बनाने वाले अगे फरियाद ते कर सकती हां। पर तेरी फरियाद तो पहला रजिया दियां बद्दुआवां आसमान तक रपड़ गईयां ने सलमा, हुण ते हाई कोर्ट च अपील करन लई पहले ही रैजू अगे गिरवी पा बैठा। हुण कादर नूं बचाउण लई पैसे कित्थों लियावां? अनवर पुत्र, अजय बड़ी खुश है। की गल है मां? अकबर दा पिओ हुण फांसी लग जाएगा। फांसी की होंदी है मां? सिपाही अकबर दे पिओ दे गल च रस्सा पा के उन्हें खूह विच लटका देंगे ते ओह मर जाएगा। हला पर मेरे कलेजे उदों ठंड पैगी जदों तू अकबर कोलों अपने पिओ दा बदला लेगा। बदला किस तरह लेदा मां? कतल करके ते फिर मन छुरी दे मां, अकबर दे टेढ़े जाके हुणे मार दे मां। जरूर मारी पुत्र, पर अजे नहीं। हूं अकबर मर गया ते सलमा थोड़े दिन रो तो के गम भूल जाएगी। तू अकबर नु उदो कतल करी जो खैर नाल तू भी जवान हो जाएगा ते अकबर भी। जवान पुत्र दी मौत दा गम सलमा नु कबर दियां कंधां तई याद रहेगा। साडे चट्टे भी कदी हरे नहीं होए। मन गए चौधरी जी, खूब काम विखाया जे ना नहीं मान। और वेख ली ना, साडी चाल ने भरा नु भरा दे हथों कतल करा दिता है। जमाले की हवेली ते जमीना और मेरे कोल कौटियां ते पाग गिरी के पै गई ने। हुण दो शेरां दा प्यो जमाला सारी जिंदगी मेरे सामने तां उच्ची नहीं कर सकता। पर जे कादर हाई कोर्ट चो बरी हो गया ते फेर? और बरी हो गया ओ चलिया, हाई कोर्ट च अपील करन लई वकील दी लोड़ पैंदी है ते वकील करन लई माल खर्च करना पैंदा है ते माल दा बंदोबस्त करन लई जमाले को बेचन दी अपनी इज्जत दे सिवा कुछ नहीं रही। ओदी इज्जत भी तेरी हवेली विच आ गई है फैजू। कमाल है,
उच्ची इज्जत वाले जमाल दी नूं ते वड्डी गैरत वाले कादर दी बीवी अज मेरी हवेली च कल्ली किस तरह आ गई है। मैं कल्ली नहीं आई फैजू, अपनी तकदीर नूं नाल लै के आई हां। ते फिर दस तेरे आउण दी वजह तेरे कोलो पुछा कि तेरी तकदीर कोलो। मैं जवाब देण लई नहीं सवाल करन आई हां फैजू। बोल की चाहनी है। कानून मात बन के कातर दे सिर ते जा खलोता है ते मैं सवाल बन के तेरे कोलो कर्ज मंगण आई हां। जमाल भी कर्ज ही मंगण आया सी ते जमीना गिरवी पा के रकम लै गया सी। हुण तू दस कादर दी जिंदगी खरीदण लई वेचण च आई है। वेचण लई ते हुण कुछ भी नहीं रहा फैजू। सौदा मैं दस देना, मुल तू दस दे। की मतलब? चादर दस लेना है। उच्ची बोल के कादर दी मौत नु बाज दा मार। मैं तेरे परे भी गल कीती है, कादर दे पाए लगन तो बाद तू सिर मुंडी भी हो जाएंगी ते बाल खोल के उच्ची उच्ची बैन भी पाएंगी। सुहाग खरीदन लई सिर दी चादर बेचना कोई जुर्म नहीं सलमा। पर किसी दी मजबूरी दा सौदा करना ते बड़ा वड्डा जुर्म है फैजू। ए जुर्म नहीं, हमदर्दी सलमा। मेरी हवेली चो नंगे सिर बाहर जाएंगी, खबरे रब नू दस आ जाए ते कादर बरी हो जाए। रब तो पहले मैनू तरस आ गई सलमा। इस 10 महीने की चादर वास्ते मैं तेनू 2000 रुपया दे देता ही। रकम दे जाएंगी ते चादर ले जाएंगी। मुश्किल कुशा दिया बेटिया ते कोफे तो लेके शाम तक नंगे इस ऐस जालम दी हवेली जो अपने घर तक नंगे सिर चली है। हो देखो किवे पंजाब दी जाई, देखो किवे पंजाब दी जाई। गुल सुहाग दा तार के चली लाज सुहाग दी पालण दे लई, लाज सुहाग दी पालण दे लई। फिर दी चादर वार के चली इक बचाउंदी इक पई कर दी, इक बचाउंदी इक पई कर दी। मात दा जाल त्या दूजे पासे मिन्नता पाउंदा बाप दे दिल दा प्यार। बाबा रब्बा कुदरत तेरी, बाबा रब्बा कुदरत तेरी। बदले रंग हजार, बदले रंग हजार। तक दिया हसदा वसदा, तक दिया हसदा वसदा। उजड़ गया करबार, उजड़ गया करबार। बाबा रब्बा कुदरत तेरी, बाबा रब्बा कुदरत तेरी। आज मैंनो रज रज के मुबारक देओ ने, मेरे खावन दा कातल फाए लग गया। मुबारक होए ना। खैर मुबारक। बड़ा अफसोस होया भैन सलमा, तेरा खावन फाए लग गया। मैनू अफसोस होया भैन, तेरा घर उजड़ गया।
मुबारक होवे भैन रजिया। खैर मुबारक, ले फड़ पतासे मुंह मिठा कर। तेन मुबारक होवे भैन रजिया। खैर मुबारक, अज मैनू जिन्या भी मुबारक दे कट दे, ले फड़ तू भी मुंह मिठा कर। तनु मुबारक होवे धीए, तेरे खौफ दा कातल पाए लग गया। मुबारक दिती है ते फिर मुंह भी मिठा करदा जा, मैं हुणे पतासे लियांदी आ। मेरे कादर दी मौत ते खुशी नाल पतासे वंडण वाली है, मेरा मुंह मिठा कराया बगैर ही टुर गई है। पुत्र बहादरा मैनु माफ करी यार, मैं तेरी अमान रब्बा तेरिया तू ही जाने। अल्लाह जन्नत नसीब करे एदी मां नूं, उल्टी पट्टी पड़ा गई है। जे दे सीने च इंतकाम दी आग दे नाल ही जवान हो गई ते एक बारी फिर मेरा घर उजड़ेगा। एक बहादुर कतल होएगा, एक कादर फाए लगेगा। नहीं चाचा, एहो जी गल मुंह ना कड। अकबर नु प्यू बन के तू पाली ते अनवर नु मां दा प्यार दे के एदे सीने विच इंतकाम दी अग मैं बुझा देंगा। ठीक है शेर मंदा, तू अनवर नु अपनी भैन दी निशानी ते मेरी अमानत समझ के अपने पिंड लै जा। पर एक गल याद रखी, अनवर नु प्यू दे खून दा बदला लैण वाली गल भुला दई, तेनू ए ना भुलण दई एक शेर जवान दा पुत्तर है। मैं तेरे नाल वादा करना चाचा, जो अनवर सिंह वर्गा जवान होके तेरे सामने आएगा, तेरिया बुढ़िया अखां दा चानण बच जाएगा। ऐस हवेली विचों भी कदी कोई गरीब हसदा बाहर नहीं निकलिया चौधरी। सच आखे। पर तेरा सिर नीवा क्यों हो गया चौधरी? जुल्म दे खौफ नाल नहीं खानू, गरज दे बार नाल सिर नीवा हो गया। तेरी बेइज्जती दा बदला लैण लई इक नू कतल करवा दिता सी ते दूजे नू फाह लवा दिता। ते कलेजे ठंड भी ते पै गई है ना दीरा। एदे कोई पुछण वाली गल है वीरा, मैं तेरे ते बड़ी खुश हाँ। जिन्हें मेरी गुत पट्टी सी उन्हें बीवी दे वैह ने अपने कन्ना नाल सुन ले ने। वो ते वैह सुन ले ने मेरी भैने, हुण मैं इस घर शहनाइयों दी आवाज सुनना चाहुंदा। चली जी विआह दे नां तो शर्मा गई। चाचा जमाल फैजू नहीं चौधरी फैज को जमालिया। मैं एक अर्ज करना चाहना चौधरी जी। और की चाहना है? मैं चाहना चौधरी जी, जिहड़ियां जमीना मैं तुहाडे ते गिरवी पाईआं ने, हुण उन्हां जमीना दे मालिक तुसी हो। मैनू मजारा बन के उन्हां जमीना ते हलवान दी इजाजत दे दे। रब ने तैनू किड्डी वड्डी सजा दित्ती जमालिया, तां उच्ची करके जिन्ना बाहां ते मान करना सी
बाहरों भी टुट गई तेरी ताम ही नीवी हो गई जा इतने खुशी असि तेन जमीन के हड़ पाने की इजाजत देने ताड़ी बड़ी मेहरबानी चौधरी जी बड़ी मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम चट्टर भी कदे आ रहे नहीं हुए शर्म तो बुजदलां नूं आंदी है चलिए मेरे जे गबरू जवान को ते शर्म भी डरती है ओए मैं शेरनी दा दुद्ध पीता देखे चौधरी मेरा निशाना तेरे सिर तो पग भी ला दी तेन भी कुछ नहीं होया अकबरा तू मेरे सिर तो पग ला के चंगा नहीं किया मैं पिंड का चौधरी हाँ पग मेरी इज्जत है पग तेरी इज्जत है छीमो मेरी इज्जत है ऐला फड़ अपनी इज्जत हूं अगों ना तू मेरी इज्जत निशाना बनाई ते ना मैं तेरी पग लाने की लड़ पवे मेरी पग लाने वाला कौन जमया मैं शेरनी का दुध पीता है मैं लाले फैदू नाल गल कर लैन दे फिर तेरे नाल निपटूंगा जा जो मर्जी करी पर जो गल मैं कहिए वो याद रखी बशीरा ते तेरी गल याद रखेगा पर एक गल तू ही याद रखी केड़ी गल तू हुने कहा सी ना कि छीमो मेरी इज्जत है आहो मैं झूठ तो नहीं सी बोले तू मेरी इज्जत है एक बारी फिर कोकता तू मेरी इज्जत है छीमो होए 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 महीने आज हाँ कर ले ते दिल विच थां कर ले होए महीने आज हाँ कर ले ते दिल विच थां कर ले मही तो शर्मा के मैं नजरां झुका के जिथे पाप रखा दे डर
ਖਾਲਾ ਅਕਬਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲਾਈ ਏ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਖਾਣਾ ਗਈ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰੇ ਬਸ਼ੀਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਦਿੱਤਾ ਮਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਜਲਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲਾਲਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਕਦੇ ਤਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਚੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤੇ ਦੀ ਕਦੀ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰਾ ਹੈ ਫੈਜ਼ੂ ਆ ਸਲਮਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂ ਫਰਿਆਦ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਤੂੰ ਗੁਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰਿਆਦ ਬਣ ਕੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ ਮੰਗਣ ਆਈ ਨਹੀਂ ਫੈਜ਼ੂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਮਰਮ ਖਰੀਦਣ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਬੁਝਾਤਾ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਮਾਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ ਬਸ਼ੀਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਲਮਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਵਾ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਫੈਜ਼ੂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇਵੇਗਾ ਐ ਲੈ ਫੜ 2000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਰਕਮ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਚਾਦਰ ਅਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੁਦਾਗਰਾ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਆ ਜਾਏਗਾ ਝੂਠੇ ਰੋਗ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਮਾਈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਐਡਾ ਹੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਖਾ ਕੇ ਤੋਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਪ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾ ਖਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਫਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਦਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਚਾਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਏਗੀ ਸਲਮਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਲਾਂਗੀ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਫੈਜ਼ੂ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਚੱਟੇ ਵੀ ਕਦੇ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਛੀਮੋ ਜੀ ਅੱਬਾ ਬਹਿ ਜਾ ਧੀਏ ਧੀਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸਾਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਘੜਾ ਕਿੱਥੇ ਘੜਾ ਹਾਂ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਘੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਟਸਨ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਘੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਧਰੀ ਬਸ਼ੀਰਾ ਬੰਦੂਕ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਗੋਲੀ ਬਸ਼ੀਰੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਹਾਂ ਅੱਬਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ਼ਰਮਾ ਵਾਂਗੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖੇ ਛੀਮਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇਰਾ ਘੜਾ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡਸਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਸ਼ੀਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਬਰ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਕਬਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ਼ੀਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਸ਼ੀਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਬਰਾ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਪੱਗ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਓਏ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਝੂਠਾ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਛੀਮੋ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਅਕਬਰ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਅਕਬਰ ਦੀ ਗੈਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅੱਬਾ ਧੀਏ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਪਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਲਮਾ ਭੈਣ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਬਾ ਕੌਣੀ ਸ਼ਾਨੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ ਲਾਲਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੱਠੇ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਗੋ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੈਨ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਇਹ ਬੜਾ ਅਥਰਾ ਟੱਕਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੇਧਿਆਨੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਐਵੇਂ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਨਾ ਫੇਰ ਦੇਾਂਗੀ ਓ ਨਾ ਸੋਨੀਏ ਹਿਵਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੱਠੇ ਤੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਈ ਆਹੋ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਜੋ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਜੋ ਹੈ ਕੱਲੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਏ ਰੱਬ ਹਿਆਤੀ ਰੱਖੇ ਨੇ
अनवर ते अकबर दो भरा ने। बाबा जदों भी तू अनवर दा नाम लैना मेरा खून जोश मारन लगता है। खून जोश क्यों ना मारे पुत्रा, तुहाडे दोवां भरावां दा एक खून जो होया। जे खून एक है ते फिर पिंड दो क्यों ने बाबा, जे तू नहीं हुण लिया सकदा ते फिर मैनू पिंड दा पता दस दे, मैं अपने भरा नूं लै आवां। नहीं पुत्रा, तेरा उत्थे जाना ठीक नहीं, अनवर नूं मैं आप लैण जाऊंगा। हुण ते ओह वी माशाअल्लाह तेरे वांगू सोहणा गभरू जवान होणा। जवान ते मैं हो गया मामा, हुण इह दस मेरे डंडा ही जोर है कि नहीं। ओह बड़ा जोर है पुत्रा, पर मैं ते हेठां दा। हुण दस मामा, मैं शेर वांगू छाती चौड़ी करके दादके पिंड जा सकना कि नहीं? जा सकना पुत्रा, जा सकना, पर हुण मैं बुढ़ा हो गया, तू अपने हान दे गभरू नाल जोर अजमाई करिया कर। मामा रब दी सू, इस पिंड च कोई इहो जिहा गभरू नहीं जिहड़ा मेरा कसून खा के पैरां ते खलोता रहे। जीओ मेरे शेर पुत्रा, मैनू भी ऐसे दिन का इंतजार सी, पर हुण जदों तू अपने दादे दे पिंड जाएगा तेरे पैरां दी तमक नाल कंधां विचों मिट्टी गिरेगी ते चाचे जमाल दे सीने च ठंड पै जाएगी। मामा आ मेरे शेर पुत्रा। तू मेरी ताकत का अंदाजा ही नहीं, मैं फूक मार के दीवा बुझा देने वाला जवान हूं। फूकना मारना कुल्लन खान जी, अजी ने सारे उठ जाएंगे। कुल्लन खान जी, बिल्लो दे प्यो चाचू ने कहा है मैं हौले हौले ताड़ा सारा ही कर दा ला देना, अजे मेरा हाथ तंग है। ओए हाथ तंग है ते मेरा मुंह खुला है, जो उन्हें मेरा खाता नहीं दिता तो मैं ओदी कुड़ी नु चुक लग चुक। ओए फड़ो, ओए मैनू फड़ो, ओए मैनू फड़ो, तुहानू मेरी ताकत दा अंदाजा नहीं, मैं फूक मार के कुछ भी होए बाबा, मैं बशीरू ते फैजू दे सामने कदी अपनी तौन नीवी नहीं करांगा। जिद ना कर पुत्र, जिदा कर्जा देना होवे ओदी इज्जत करनी पैंदी है। इज्जत ओदी करी दी है मां, जेड़ा इज्जत दे लायक होवे। इना दोवां भरावां विचों एक भी बंदे दा पुत्र नहीं गा। ऐ ते ठीक है पुत्र अकबर, पर मैं कर्ज लैण तो पहला फैजू नाल वादा कीता सी, जब तक मेरे सिर तो कर्जे का भार नहीं लिया जाएगा उसके सामने सिर नहीं चुकाऊंगा। जे ये गल है बाबा ते फिर मैं तेरा वादा ते अपनी जिद पूरी करन ली फैजू नूं कर्जे की बकाया रकम कल ही पहुंचा देंगा। पर कल रकम का बंदोबस्त कितों करेंगा पुत्र, अजे ते फसल भी नहीं पकी जिहड़ी वेच लेंगा। गल ही कोई नहीं बाबा, जे रकम का होर कोई बंदोबस्त ना होया ते मैं इसे तरह खली खलोती फसल गाड़ियां दे पार नीलाम करके कर्जा ला दिया। मच्छर दे पुत किसे दे नहीं मीत मंगदे, भावे भर भर चशा पिया दईए, डंग मारना तुसे नहीं बाज आउणा, भावे घर घर मच्छरदानियां लवा दईए। मैं ताडी ऐसी जद मार करांगा जिस तरह अरबां ने यूदियां दी जद मार कीती है। ओए मच्छर खा, कुछ गैरत खा, यार वाले मच्छर मारता रहना। मच्छर ना मारा तो और मैं तेरी मत मारा की कैसा आदमी है? दसा मैं तेनू कैसा? बिल्कुल नहीं पाजी, तुसी मन सिर पे दसे चले किथे हो? मैं अपने दाद के पिंड चले। यार तो पिंड किन्नी दूर है? यो को 10-12 कोण है। फिर मैं तेरे नाल जरूर जावांगा। ओ पर मैं उथे जाके वापस नहीं आना। तू दाद के पिंड चले है कि अल्लाह मियां कोल चले है? जरा जाके मैं वापस के नहीं आवांगा, कैसा आदमी है? बकवास नहीं कर ओए। अच्छा पाजी, पर जावांगा नाल। ओ तू उथे जाके करेगा की? हाय हाय हाय, झूठ तो मच्छर हर पिंड च मारिया जा सकता। गल हुई ना, हाथ च बंदूक फर के भी तू मेरे सामने दौड़ उची नहीं कर सकता। जनाब ताडा कर्जा जो देना, कर्जा लै भी जाएगा तो फिर भी असी दौड़ उच्ची नहीं होने देंगे। तुसी बिल्कुल ठीक कहंदे हो चौधरी जी। ओए असी जो कहने हैं कर भी सकने हैं। तू ये दस, जमाले ने तेनू तौन नीवी करनी ते सिखा दित्ती है, पर बंदूक फड़नी क्यों नहीं सिखाई? बंदूक फड़नी ते आंदी है चौधरी जी, पर तौन नीवी होवे ते बंदूक उच्ची करन दी जुरत नहीं पैंदी। ऐला जनाब अपने कर्जे दी बकाया रकम। तौन क्यों उच्ची कर लिया? इसलिए कि हुन मैं तेरा कुछ नहीं देना, हुन तौन तू नीवी कर। अकबर बंदे दा पुत्र बन के तौन नीवी कर लिया,
नहीं तो गोली मार देंगे। शाबाश, उन जमीन के कागज मेरे हवाले कर दे। चल उची कर ले फैजू, हूं ना कुछ मैं तेरा देना ते ना तू मेरा। और जे नीवी तां दुश्मन दी होवे ते सानू वार करन दा मजा नहीं आता। ओ फुमन, मेरे दादा दा पिंड ते होई है, पर साडा घर पता नहीं किहड़ा सी। ओ कैसा आदमी आ, कदी को अपना घर भी भुलिया तां शर्म नहीं आंदी? ओए दे शर्म आने वाली केड़ी गल है, चक्के जान दे। एक मुद्दत तो ये पिंड छड्या किसे कोलों पुछ लैने आ, तू थल्ले दे उतर। चल ड्राइवर मालिक बाद दे विच। ओ की कह आई हो? कुछ नहीं भाजी, कोणा बड़ा अथरा गा। उतर। ओ मरवा तो तेरे दादे दे पिंड ने। बाबा जमाल उथे नमाज पढ़न दे आवेगा ही, उथे दस्त पंजा सी ललवांगे। ओए तू बकवास करन तो बाद आउणा कि नहीं? पाजी एक चुप तो सौ सुख आवे। एक कलर मटियार ते बांकी नार लगी पई आंदी, जे तू मैनूं कवे तो मैं इहदे कोल बाबे जमाल दे घर दा पता पुछां। पुछ लै सू, पर कोई बदतमीजी ना करी। हौसला ना कर, राहे राहे जांदी है मटियारे नी, इहना प्यारा ते खलो जा। चल वे, कौन है तू? मेरा नाम है थुम्मन, जिहदे अगे पिछे कुड़ियां घुम्मन तार वजात कर चुम्मन। अगों हाथ ने के ला जुत्ती। जुत्ती ना लावे मटियारे, नहीं तो पैर च कंडा चुभ जाएगा। परा मर कुत्ते वांगू गिट्टा नहीं फड़ लिया। वो जानते सू मटियारे, मखौल करना तेरी आदत है। ते छित्तर मारना मेरी आदत है, छड़ मेरा हाथ कमीनिया। मटियारे, मैनू कमीना कहन वाली है? जे गल कोई मर्द करता तो मैं ओदी तौण बन देंदा। तेरी तौण हुण मैं बनांगा बेगैरता। अशके ओ शेर दिया बच्चा, सुन मार के रूह राजी कर दिता। की नाम है तेरा? अकबर है मेरा नाम, हुण तू दस तू कौन है? ओए मेरा नाम अनवर है ते मैं बाबे जमाल दे घर जाना है। चाचे बहादुर दा पुत्र अनवर मेरा भी लाला। बाबा बाबा, उत्ते दा दूजा पुत्र अनवर सी ना? अनवर आहो, की होया उनु? पापा आ गए। अनवर आ गया? आहो बाबा, अकबर वांगू अनवर भी शेर वर्गा जवान है। क्यों ना होवे तीए, शेरां दे पुत्र शेर ही होंदे ने। बाबा चालो किते ने? हां अंदर होवे की तीए। मेरा पुत्र अनवर। राम बाबा, वाले अकम सलाम पुत्रा। क्यों तारो पुत्रा, सीने ठंड पा दिती आ। सलमा सलमा, छेती नाल बाहर आ तीए, ए वेख कौन आया है? की गल है चाचा, पछाता नहीं होती है? तेरा दूसरा पुत्र अनवर है। राम ताई। अनवर ताई सदके, मेरिया ते अखा तरस गया सन तेनू वेखन नू। मामा क्यों नहीं आया? वो वेला नहीं सी, दो चार दिन तक आ जाए। कैसा आदमी है, साडा इसने करामत दस्या नहीं? बाबा है मेरा यार थुम्मन। पूरी तारीफ कर दादाजी। ए मच्छर मार मशीन, मैं मच्छर दुश्मन इस वास्ते के मच्छर पुत्र नहीं मित्र होंगे किसी के, भावे चुड़िया किस पिला दीए। मां जमीना के कागज मच्छर, मैं फैजू का कर्जा दे। शुक्र अलहमदुल्ला चाचा। वेखे सलमा, मेरे पुत्र अनवर का किन्ना मुबारक कदम है, एक घर आया तो जमीना के कागज भी वापस आ गए ने। वैसे आदमी हो सारे तुसे, अदर मेहमान खलोता है तुर तुर के कुड़ल पै गई है भुखा ना। तू तो मन करना सा दादा जी को जाला ले, तेन मक्खन तेन रोटियां तेन लस्से तेन पेड़ प्या कितने ने बड़ा रोज देना था उसे मैं हूं गुआ मन ध्यान देना, दर्द होनी है मेरी इधर।
पुत्र रब का दिता है सब कुछ है। आ मेरे नाल अंदर। देखा मान कि दर्द है। मच्छर के पुत्र नहीं मित्र होंगे, भावे चुड़िया चस पला दीए, डंग मारना तुसी नहीं बाज आना, भावे पट का गोश्त खवा दीए। पागल के पुत्र इतने की पे कर दिया तुसी? ओए मैं तो खिलाफ बाजा ने कह दिता है कि चंद के बीच एक मच्छर ना रहे। ए लड़की तू मेरी अख के लड़की इतने केड़े घर रहनी है? की गल है तू मेरे घर कम लानी है? की गल है नी, गिट के तमीज ना गल कर, मैं सरकारी आर्मी तेन फड़ के ला जावांगा। हाँ मर गई। मैं के सरकार जी माफी दे दो, मैंने तो पता नहीं सी। पता पता तो मच्छर मच्छर मेरे नाम तो वाकफ है, मेरा नाम है फुम्मन। हाँ मर गई। फुम्मन केड़ा? ओ फुम्मन नहीं जरा तू कोई समझ नहीं है। मैं क्या ताड़ा शरीफ इसम की है? की है? मेरा मतलब है कि तेरा नाम की है? मेरा नाम बिल्लो। बिल्लो तो फिर कभी बाग के मिल लो जी। ओ कहना जी तो लेना की। अच्छा तो मैंने एक गल दस, तेरे घर कोई मच्छर मच्छर तो नहीं है? साढ़े घर तेरे मच्छर है? मच्छर आहो रात खाने नहीं देंगे। खाना खराब का पुत्रा मैं कख उड़ा देगा, तू मेरे घर से लैके चल तेरा। तेरे को मैं क्या कभी पंगिया की तोप का ना सुने? आहो सुने। सुने कभी तोता तोप चला? वेखिए भी वेखिए। यह मच्छर की तोप ही है, इन मैं चला। सारे मच्छर मर जाते हैं? इंज मरते हैं जिम्मे सोहनिया कुड़िया मुंडे मरते हैं। जूदा मैन भी ना समझी लगा मनी गया ही। ते फिर आ इसका नफा खुदा से पा, अन्य मुसाफिर नु रास्ता बखा। हेलो की गल है फैजू? बाबा कितने ही? वो तो डेरे गया, पर तू ऐसे की लेना है? जमाल आवे ते कह रही अकबर ने बंदूक से जोर उसने मेथु जमीना दे कागज खो के मेरी बेइज्जती की है। अकबर मेथु माफी मांगे नहीं तो पछताएगा। वास्ता कार उचल दिया देर नहीं लगती, साढ़े इतने तभी कह दिया रहनी हुए। फैजू मैं तेरी हवेली विचो नंगे सिर आई था, आज तू भी मेरे घरों नंगे सिर ही जाएगा। सलमा अक्का नहीं मैं कर पकड़ता, मैं तेनू आख्या ओ दिन दूर नहीं जो तो तेरा कर्जा भी ला जाएगा तो तेरे सिरों पग भी। आज तेरी इज्जत मेरे पैर हेठ है ते तेरी मात मेरे हाथ। की गल है मां? कुछ नहीं पुत्र, तुसी दोवे अंदर जाओ, मैं जाना ते खैजू। कुछ दस दे सी ताई, ए बुड्ढा है कौन ते ने कीता की? मैं दा खले खलोते दा लो पी जाऊं। झगड़न वाली कोई गल नहीं पुत्र। ते फिर एदे सिर तो पग क्यों लाई मां? एने 15 साल पहले मेरे ते किसान करके मेरे सिर दी चादर नु गुआ बनाया सी, ते आज मैं एदे इहसान दा बदला लाण लई एदी पग नु गुआ बनाया। जा खैजू चक्कर दे दई। मां तू अपने दिल की गल से जबान मेरा दुख है, तेनू मेरे सीने विच रहन दे। फिर साढ़े सीने च गोली मार दे ताई। मां दी अखा चथरू वेख के चुप रहने वाले पुत्र बेगैरत होते। तू अपना दुख ना दसिया ते रब की सौ मैं तेनू मां कहना छड़ देंगा। दस मिया दस मिया पुत्र आज तो 15 साल पहले मैं फैजू को कर्ज मंगन गई सा, ते उस जालम ने 2000 रुपया दे के मेरे सिर तो चादर लुआ ली थी। नंगे सिर तू चुप हो जा मां, फैजू ने तेरे सिर की चादर का मुल पाया थी, आज मैं उसकी जिंदगी का मुल पा देंगा। रब का वास्ता तू ले जा, मैं उसका कर्ज ला दिता है। वो पग लैन ले चादर लेके आवेगा। वो बेगैरत ते पग लैन ले नहीं आएगा मां, पर तेरी चादर लैन ले मैं जरूर जाऊंगा। नहीं लाला तू नहीं जाएगा, जमीना दे कागज लैन तू गया सा, तो उन मां दी चादर लैन मैं जाऊंगा। नहीं तो आज कोई नहीं जाएगा। इस तरह मैं नहीं हूं रुकना मां, अल्लाह फड़ बंदूक गोली मेरी कंड च मार दे। तेन मेरी सोच साढ़े वापस आने तक बुआ बाहर पैर ना पड़े। तू दिल्ली ची लैके मर जाएगा। दसो फैजू मेरी मां की चादर कि थी? जिस मां की चादर लै रहा अब जो तेरी लाश लै आएगी मैं तेरा लो पी जाऊंगा। मैं शेर जो तू पीता है बल्ले झूठा शेरा कि
की जुस्सा है तेरा? सुन मारन का मजा आ जाएगा। मैं तेरी मां की चादर देना छेती दे। ओ फेर के हल दिया कंगिया विच
कतारा खड़िया कीतियां विच कतारा खड़िया कीतियां फसला रंग बरंगियां मैं ते अनवर दे नाल ही आ जाना सी चाचा पर कपाह मंडी भेजनी सी इसलिए नहीं आ सकिया। कोई गल नहीं शेर ममता, बस तू आ गया है ते सी खुश हो गए। भरावा इसकी फसल किस तरह दी हुई है? अल्लाह दा फजल हो गया भैन। ले मम ले आ मेरा पुत्र। तीए दूध विच खंड भी पाई है के फिक्का ही ले आई है? खंड खोल के ले आई है मां। क्यों मामा, दूध मीठा है ना? बड़ा ही मीठा है पुत्र। इसे पी ले। मुद्दत बाद आया मामा, हूं मैं तेन जान नहीं देना। मैं तीए तेन ही लैन आया। पहले तू इत महीना दो महीने रो हां ते फिर मैं भी तेरे नाल लगी चलांगी। पर मैं तेन ऐसा नहीं उखड़ना। तू होर किस तरह खड़ना है मामा? अनवर की डोली च बा के ना थोड़ी शर्मा गई है। तिया व्याह की गल सुन के शर्मा ही जांदियां ने शेर ममदा। क्यों भैन सलमा, अनवरली शानो का रिश्ता मंजूर ही ना? भरावा मैं किस तरह इनकार कर सकती हूँ, शानो तेरी अपनी धी है, जो मर्जी आके ला जाए। क्यों चाचा? आहो धीए, अनवर ते शानो का ब्याह हो जाए ते एदे कोलों वध के होर केड़ी खुशी हो सकती है। पर एदी इक शर्त दे। वो की? मेरी भैन रजिया डोली च बह के इस घर आई सी ते हुण शानो की डोली मेरे पिंड जाएगी। जिवें तेरी मर्जी शेर ममदा। चंगा चाचा, मैं चांदी सोलवी जंज लैके आ जावगा, तुसी तैयारी कर लो। जम दिया तिया दे दाज बनने शुरू हो जाते ने भरावा, मैं सब कुछ तैयार किया होया, तू खाने नाल जंज लैके आ दे। चंगा पैना, हुण मैं चलना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा रब दा लख लख शुक्र है, उन्हें सानू खुशी दा दिन ते दिखाया। चौधरी जी, बड़े बड़े नंबरदारा ते बड़े बड़े शहरदारा नूं शरीर ना देखिया, पर छटके जावां तुहाडे हौसले तों। अनवर ते अकबर दे हत्थों जिस तरह तुसी जलील होए ना, अगों तो कोई माई दा लाल घट ही होवेगा। चुप करो राखिया, तू चंगी तरह जाणदा है साडे चट्टे दी कदी हार नहीं होए। चौधरी जी, ताडी नकली ने कोई रिश्तेदारी तां नहीं हैगी? फसल झट जांदी है ते तुसी बंदे बकवास ना करो। अच्छा ते तुसी कर लो। लाला कुछ सुनिया ही? की होए? शानो दी अनवर नाल मंगनी हो गई है, जे इन्हां दोवां दी शादी हो गई ते फिर अकबर ते अनवर एक दूजे दे एडे करीब हो जाणगे कि फिर इन्हां दोवां दे विचारों सुई नहीं लंघनी। तू ठीक गल कीती है बशीरिया, फिर यह शादी नहीं होनी चाहिए। लाला तू फिक्र ना कर, यह शादी भी होगी ते एक बारी फिर इस घर की बर्बादी भी होगी। पर किस तरह? दस ना। वो पाजी बशीरिया जड़ी आज तो 15 साल पहले अनवर के प्यो बहादुर के सिर तो मर लग गई सी, तो मैं चुके साम सकी सी। हूं इस पुरानी पग को यहोजे कम लगा बशीरिया, जमाले की तौन नहीं मिल रही वेखेगा, अकबर की मां के बैन भी सुनेगा। साडे चट्टे भी कभी हार नहीं हो। ਵੀਰਾ ਵੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵੱਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਦਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਗ ਫੜਾਈ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਜੋ ਕਵੇਂਗੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਮਰ ਜਾਣੀ ਏ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਲੀਆਂ ਬੜਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣੀਓ, ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੂਹੇ ਤੇ ਜੰਜ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਪੈਂਡਾ ਲੰਮਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਪੜ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰਾ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾ ਤੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆ। ਆਵੇਂ ਢੋਲ ਕੇ ਵਜਾਈਏ। चौधरी शेर मोहम्मद जी, तेनू पड़ेवें दे ब्याह दी लख लख मुबारक होवे। तू तू इत्थे की लैण आया?
और मैं अपने यार की वसीयत पूरी करना आया शेर मुंडा। नवे कपड़िया ते पुरानी पग बन के आ गया, कोई पुराना वैर लैण लई नवा चन्ना चाड़ दई। नहीं चौधरी, मैं दुश्मन बन के नहीं, मैं ते अनवर दे मोए प्यो दा यार बन के आया। उसी दे मौके ते मोया प्यो यार करा दिते ते खुल के गल कर, इत्थे की लैणा है। और मैं तैनू तेरे प्यो दी इमानत देना आया पुत्रा। कहना की चन्न? ओए ओ पग जड़ी तेरे प्यो ने मरदी बारी मेरे हाथ च फड़ा के ये किया सी कि यार फैजू, जिसले मेरा पुत्र जवान होके सिरे बने ते तू ए पग बन के ओदी जंज नाल जरूर जाई और मेरी रूह नू खुशी होएगी। मेरे प्यो दी पग? मामा, ए पग तेरे प्यो दी जरूर है पुत्रा, पर इन्हें गल तेरे प्यो वाली नहीं हो कीती। गल बदली सुना? पग तो नहीं सु बदली मामा, ते जे हुन जुबान बदलेगा ते मैनूं बदला लैणा वी आंदा है। लै मेरे प्यो दिया यारा, पग सिर ते रख लै ते चाचा बन के जाई ते नाल चल। साडे चट्टे कदी हारे नहीं होए। सलाम अलैकुम मामा। वालेकुम सलाम पुत्र। शेर ममदा, ये फैजू जंज नाल क्यों आया? उन्हें मैं ले आया बाबा। पर क्यों? वो दुश्मन बन के नहीं, मेरा चाचा बन के आया। तू ये सिर वाल ते वेख, ऐ पग इहनूं मेरे मरहूम प्यो ने दित्ती सी, तू पछाणी नहीं? पुत्तर अनवर, पग ते नहीं पर मैं फैजू नूं चंगी तरह पछाणना। अनवर, तेरे दादे नूं मेरा तेरे नाल आउणा कोई चंगा नहीं लगा, मैं टुर जाना। पर नहीं चाचा, तू मेरे प्यो दी थां है, तेनूं इत्थों कौण कर सकदा? आ तू मेरे नाल। चाचा, हुण तेरा चुप कर जाना ही ठीक है, खुशी दे मौके ते कर आए दुश्मन नूं बिस्मिल्ला कहनी पैंदी है। कैसा आदमी है, मैं एक घंटे तक इंतजारियां जो तेरी खलोता आया कि उन्हें मुसाफा करता, उन्हें मुसाफा करता, उन्हें मुसाफा करता, मुसाफा कर। अच्छा भाजी, आप तेरी खैर वे जान जान आदमी, कोई खाया पिया भी कर। हाँ, मैंने गल याद आ गई है, तू सारी जानजी का ध्यान रख तो मैं बाहर खलोता ही। मैं सब जानना कि मेरे पिंडों केड़ा केड़ा मच्छर आया, मैं अपनी फिरनी खराब नहीं करवाइया। चलो भाई चलो, चल जवानो, चल चल, है कोई नहीं गा भाजी, हम आप चलता जी। चौधरी जी, बिस्मिल्लाह। औज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। चौधरी जी, तुहानू मुबारक होवे। खैर मुबारक मालवी जी। चौधरी जी मुबारक होवे जी। खैर मुबारक मालवी जी, आओ मेरे नाम। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੇਰ ਮੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ, ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਸ਼ੇਰ ਮੰਦਾ ਭਨੇਵੜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। शराब वाला पी ले, पी ले, हाय मर जाना है कड़ी दी, कड़ी दी। अब
बंद करो ये पिंजरा। ये कंजर खाना इतने लिया कौन है? वो इन्होंने इतने मैं लिया है अकबरा। मेरे मरहूम यार बहादुर के पुत्र का ब्याह सी, सोचे इस खुशी के मौके से पिंड च खड़ाक भी हो जाएगा, तो ये लोग भी चार पैसे कमा लेंगे। इस कारज कुंगरुआ का खड़ाक नहीं होएगा फैजू, मैं इन्होंने नचिया बगैर ही पैसे दे देना। एले फड़ पैसे ते चुक इथो बिस्तरा बोरिया। असी इथे मुजरा करन आए हैं, खैरात मंगलने नहीं। हुण तू दस चौधरी फैजू, सानू 15 साल बाद बुलवा के फिर जलील करवाया है? तैनू कौन जलील कर सकता मुश्तरी भाई, मुजरा होएगा? मुजरा नहीं होएगा फैजू। मुजरा जरूर होएगा अकबरा। अनवरा तू ना बोल। और किस तरह ना बोला, चाचे फैजू ने मेरी खुशली कंजरी बुलाई है, हुण एक दिन ही मेरी इज्जत का सवाल है। अनवरा हौली बोले अकबरा। पुत्रा की हो गया तैनू? तू चुप रहा मामा, कंजरी जरूर नचेगी। कंजरी नहीं नचेगी अनवरा, जे फैजू च हिम्मत है ते निशा के दिखाए। ओए अकबरा होश कर, होश कर पुत्रा, कंजरी कंजरी जरूर नचेगी, जरूर नचेगी। हजा बाबा मैं अज वेखना कै माई का ना कंजरी नचाउंदा। मां कंजरी जरूर नचेगी अकबरा। कंजरी नहीं नचेगी मां। मां कहती है कंजरी नचेगी। किस तरह नचन दिया मां, मेरी भैन का ब्याह है। तेरी भैन का ब्याह है ते मेरे पुत्र की शादी है, मावां नूं पुत्रां दे ब्याह ते खुशी मनाण तो कोई नहीं रोक सकता। ते अज कंजरी नहीं नचेगी ते फिर मां नचेगी। नची तेरे नचण नाले धरती भी हिल जाए ते तेरे पैर भी थक जाण। सोचण की लग पई है मेरे पुत्र दा ब्याह है, आज रज रज के नच, रज रज के नच नच रे। बंदा कुछ सोचदा ते हुंदा कुछ होर वे, हुंदा कुछ होर वे। तो पल्ला भुलिया मैं तेरे दिल वाला चोर वे, दिल वाला चोर वे। बार लेके आई होने नवा कोई होर वे, बार लेके आई होने नवा कोई होर वे, नवा कोई होर वे। बाजी हार गया है हुण गुस्सा पी ले, हाय मर जाना है कड़ी दी कड़ी जी। डोली लैन आया है तू मुखड़ा सजा
मर्जी ले हाय मर जाना है कड़ी जी ले उठ प्यार दी शराब वाला पी ले हाय मर जाना है कड़ी जी ले उठ प्यार दी शराब वाला पी ले ਕੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਗਈ ਲਾਲਾ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਏ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਬਸ਼ੀਰਿਆ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਮਾਨ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜਮਾਨੇ ਦਾ ਸੀਨਾ ਛਾਨਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਨ ਲਾਲਾ ਅਲਵਰ मैं क्या सोने हो सोने मुखरे ते काला तेली ला लेना सी किसी दी नजर ना लग जाए तुसी गल्ला फेर करना पहले छेती नाल तैयार हो जाओ मेरे पेके पिंड दियां कुड़ियां इंतजार कर दियां होनियां ने तिन पेके जान दी बड़ी खुशी शानू जी एक गल ते दस की आई हुंदी ते फिर तुहानू इह सवाल करन दी लोड़ ही ना पैंदी सवाल जवाब फेर करना छेती नाल तैयार हो जाओ ते जान वाली गल करो उत्ते अकबर होरी इंतजार करदे होने ने मैं एक मिनट ही तैयार हो गया है मामा चंगा तू जा दिए फटाफट इन तैयार कर दे चंगा मामा जी चुप कर और सुना तेरे मामे दा की हाल मामा आज खुशी है बाबा पर आजकल वो मेरे नाल बहुत शानो नु प्यार करन लग पया पता नहीं इन्हें उन्हें की तबीयत घोल के पे आते ने प्यार क्यों ना करे मैं भी तो मामे की कुछ लग नहीं है ना तुझे कोई बहुत रिश्तेदार थे ये तो ठीक है भाई मानने अच्छा बाबा मैं जरा अपना मेरा यार है ना मच्छर मार की नाम दा फुमन वो इत्थे के लिए आया मैं उन्हें मिल लवा उन्हें तो आके थे डेरे लाते ने चंगा पुत्र फुमन नु मिल के तो सीधा डेरे ते जाई अकबर तैनू इत्थे मिलेगा अच्छा ताई चलो तेनू मेरी ताकत दा अंदाजा नहीं मैं फूक मार के दीवा बढ़ा देने वाला जवाना तुसी ठीक कर दे कुलाल खान जी मगर मैं तेरे ताबेदार है ताबेदार नहीं तू मेरा तेलदार है इधर शक है मगर आजकल मेरा हाथ बड़ा तंग है बिल्लो दा व्याह मेरे नाल कर दे तेरे सिर तो कर्जा भार भी ला जाएगा ते ती दा बोझ भी मैं क्या कभी शीशे च अपना मुंह भी वेखे आहो वेखे तेरे नाल ब्याह कर दी मेरी जुत्ती जुत्ती फिर तेरे प्यो की किस्मत सुती और तेनू मेरी ताकत दे अंदाजा नहीं मैं फूक मार के दीवा बुझा देने वाला जवाना बेरो मैं दीवा बुझानू तेरे नाल मेरा ब्याह ता करामत तक नहीं हो सकता समझा या कोई ना वे मेरे बूछड़ बाबला मेनू इनक ते दस दे कि इस नाम मुरादा कर्जा किनक दे नहीं तीए एदे मेरे 3 रुपए देने ने ओ भी जुए जुदार की तरह हाय मैं मर गई खोदिया पहाड़ ते निकलिया चूहा ओ भी मोया होया देख कुल्लन खा बेगैरता बेशर्मा 3 रुपया च मेनू खरीदा जाना ने और मैं तेरा मुल 5 रुपए पा दिया का कमीना कमीना मेनू गुस्से नाल आया जे पसीना ओ तेनू मेरी ताकत दे अंदाजा नहीं मैं फूक मार के दीवा बढ़ा देने वाला जवाना चाचू मैं बिलो नु ले चलया वा रकम दे जाई ते अपनी कुड़ी नु ले जाई देख कुल्लन खा छड मेरी मां ओ कुल्लर खां कुल्लर खां ओ पिंड वालो तू दादा की होया ओ कुल्लर खां मेरी ती बिल्लो ने चुके ले गया बिल्लो चुके ले गया तेरी ती बिल्लो ने चुकी थी साडी ती चुकी है मेरा मतलब साडे हमसाया दी ती चुकी गई है मैं कुल्लर खां दा कुल्ला पन तोड़ के खीला पतीसे खा जावांगा मेरी बात छड झूठिया बदमाशा चुप कर कुड़िए तैनू मेरी ताकत दा अंदाजा नहीं मैं फूक मार के दीवा बुझा देने वाला जवान हां कुल्लन खान झूठियां मुछा कंड खोल के सुन लाज तेरी मौत मेरे सोवेगी ओ फमण सारे मौत दे फरिश्ते मेरे कदम चुमण मेरे को खौफ खा ते पिछानू पलट जा आ गैरत का बिल्लो दी बा मेरे हाथ पड़ा ने ते होवेगी ठा 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 तेनू मेरी ताकत दा अंदाजा नहीं है ते ले फेर आ कुल्लन खान फिर तेनू भी मेरी ताकत का अंदाजा नहीं मैं माचिस पाल के दीवा बाल देने वाला जवाना हाँ
मेरे कोलो खौफ खा मैं फूक मार के दीवा बजा देने वाला जवान वो सदों के खिलो तेरा तो तेल ही मुक गया क्यों नहीं कैसा असर किया मैं हूं दस और तो जाइए बिल्कुल लगा दे वे फूमना मैं तेरे कदमों नु चूमा आज तो तू मेरे पिओ दा जवाई बस मटियारे मैं कुल्लन खान को फोने इस वास्ते नहीं मारे तो तू मेरी हो जा दे चलिया तू ओदे कोलो मेरी इज्जत बचाइए इसलिए मैं तेरी होन दी कसम खाई हाय 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 कैसी गल सुनाई है हुन मेरे मुंह च राल टपक आई है थुमण हुन तेरे पिओ दा जवाई है मैं तो उठाई करा किधर गया नस गया होना आ आ कुल्लन चल चलिए घर नु ओ सौड़ा ला पो बशीया देख ला जा ऐसी मैं अपनी बेइज्जती दा बदला लैण लई एहो जिहा वार करांगा जिहड़ा अज तक दुनिया च कदी किसे ना कीता हो की ना कीता वे चाचा कुछ सामने तो दस ओ बिस्मिल्ला मेरा पुत्र अंदर आ गया आ बैठ तेरी ही गल्लां हो रही है सर बशीरा कह रहा सी कि लाला तू अंदर दे ब्याह विच कोई तोहफा नहीं दिता ते मैं कह रहा था बई अपने पुत्र अंदर नूं एहो जिहा तोहफा देवांगा जिहड़ा कदी किसे ना दिता होवे वाह वे वाह चाचा होवे ते तेरे वर्गा पर दुआ मांग यार होवे ते तेरे पिओ वर्गा ना होवे क्यों चाचा ओ मेरा लंगोटिया यार सी पर उन्हें यारी नहीं निभाई मैंने रोंदा इस जहान छड़ गया ते आप अगले जहान चला गया सो आते तद सी ना जे मैंने ही नाल लै जांदा हौसला कर चाचा मरन वाले कदों किसी नूं नाल लैके जांदे तुम्हें ठीक कहना पुत्रा पर मरन वाले याद आ जाए ते अखां च थरू आ जांदे पर तू क्यों रोन लग पे लाला तेरे यार दा पुत्र है इहदे नाल हस के गल कर ओ, मेरे आसे ते उदों ही मुगे सन बशीरिया जदों मेरा यार मर गया सी अनवर नूं वेख के कलेजे ठंड पै जांदी है ए तेरा ही काले पुत्र कदी कदी आ जाया कर मैं ध्यान दे जांदा रहांगा चाचा पर तू ही कदी मेरे पिंड आना जरूर आवांगा पुत्र पर खाली हथ नहीं तेरे लिए शादी का तोहफा लैके तोहफे नूं गोली मार चाचा तू आप आ जी मेरे लिए यही बड़ा वड्डा तोहफा होगा इंशाल्लाह पुत्र जरूर आऊंगा अच्छा चाचा मैं हूं चलना खाली डेरे से जाके अकबर नु ही मिलना रब राखा रब राखा वाह लाला नक्शा बनने तेरा भी कोई जोड़ नहीं वो इसे लिए तो कहने हैं साढ़े चट्टे भी कभी हरे नहीं होए मखौल ना समझ मैं तेरे नाल एक बड़ी जरूरी गल करनी है बड़ी जरूरी गल करनी है ते मैं बड़े गौर ना सुनांगा गल है वे अकबर मैं अरे मन शर्म आंदी शर्म आंदी आहो तू आप ही समझ ले हां तेरी इतला ली अर्ज कर दिया मैं सीधा साधा जाटा निजूमी नहीं हला ते फिर मैं आप ही दस देनी हां पर तू मुंह उधर कर ले अच्छा अच्छा फिर हुन बोल तेरे सिर तो कर्जे का भार ला गया है ना अल्लाह दे फजल नाल लथ गया है जवान भैन का भार भी सिर तो ला दिता ही ना बिल्कुल ते हुन जड़ा मेरे प्यू दे सिर ते भार है ओह कदों लथेगा ए तेरे प्यू नूं पता होएगा जिदे सिर ते जवान धी दा भार है मैं की कह सकना पर तू अपनी मां नूं ते कह सकना है ना बिल्कुल नहीं कह सकदा मां नाल व्याह दी गल करके मैं अपने कन्न पटाने ने तू अपने प्यू नाल गल कर हां तौबा तौबा कर मैं अपने प्यू कोलों गुत पटानी है ते फिर मैं तैनूं तरकीब दसां दस तू अपने प्यू नाल हर गल तो एवे रुस पिया कर सियाने आखदे ने जेड़ा जवान धी पुत्र गल गल तो रुसन लग पवे ओदा छेती नाल व्याह कर देना चाहिए कैसी तरकीब है ना बाबा तू अपनी तरकीब अपने कोल ही रख राम लाला वालेकुम सलाम ओ अनवरा सुना राजी है ना अल्लाह ना बड़ा बदल शानो आई है जरूर आई है शानो आई है फिर असा भी छूट लाई
मैं क्या लाला ये की चक्कर है मुठ रख इशानो दी होने वाली परजाई है अच्छा अच्छा जे इशानो दी होने वाली परजाई है ते फिर ये गल थानू हुण समझ आई है उस ना पहली बन्ने दा की हाल है सब ठीक है मैं ते जरात वालियां दी गल पल्ले बन लिए दब के वाह ते रज के खा वाह लाला वाह चल से चलिए चल अच्छा ते फिर अनवर आके तेरे कोल मंजी ते बह गया तू शर्म नाल कठी हो गई ओने तेरा कुंड चुकया तुसी दोनों एक दूजे नु तकया ओने सलाम किया ते तू अखां नीवियां करी ते फिर ओने हस के किया हिमने क्या बादशाह साडे नाल भी गल करो इस तो बाद की होया शानू अइयो भी तो दस ना दफा बेशरम ना होवे ते सारियां गल्लां अज ही पुछ लैणियां ने नी कुड़ियो तुसी दोवें अंदर वड़ के बह रही हो बाहर निकलो शानू जा सहेलियां नु मिला रोज पुछ दिया सन शानू ने कदों आना सहेलियां भी मिल लवेगी मासी पहले मैनू तो रज के गल कर लेंदे मां की गल मैं भी करनी तेरे नाल दसती है हुण मैं सोरे जावांगी ना ते मुड़ के उदों आवांगी जदों छीमो मेरे भरा दी डोली च बह के ऐस कर आवेगी आहो धीए हुण छीमो दी वारी है छीमो मैनू की बतावे मासी देखो नी देखो नी आज मैनू झांजरा की कहंदियां देखो नी आज मैनू झांजरा की कहंदियां छेती छेती मेहंदी लावां सुआ सुआ जोड़ा पावां छेती छेती मेहंदी लावां सुआ सुआ जोड़ा पावां मल्ला में दंदा सा गुड़ा गुड़ा पावां सोने दा चूड़ा हाय वेखो नी देखो नी आज मैनू झांजरा की कहंदियां झांजरा की कहंदियां
शहर हो गए मेरे चाचे दी शेर दिया बच्चा बड़ा सोना जानवर है चाचा कितों लै गया है और पुत्रा तेरी शादी का तोहफा दे घोड़ी बड़ी दूरों मंगवाई है मैनू तोहफा दे और रूह राजी कर दिते चाचा पूरे 2500 रुपये की आई है चौधरी जी और साढ़े लिए 1.25 लाख की नूरिया मैं क्या चाचा मेरे लिए तो तोहफा लिया दी पर अपनी नूह लिए भी कुछ लिया कि नहीं बड़ा ही कीमती तोहफा लैके आया की लैके आया कुछ मैनू भी तो विखा सारे ने सामने नहीं मैं क्या मामा कितने और डेरे ते गया है और नूरिया जी चौधरी जी घोड़ी उत्थे बंद है ते आज तो तू इसे घर च रहना है वो समझ गया ना समझ गया चौधरी बिल्कुल समझ गया आ पुत्रा तेन तोहफा विखावा लिया चाचा हूं तो विखा अपनी नूली केड़े हीरे ते मोती लैके आया कमे ते शानू नू इत्थे बुला लवा शानू नू बुलाउण दी लोड़ नहीं तोहफा तेन मैं विखा देना तू शानू नू दे दी सुरख मिट्टी है आखो पुत्रा ये वो मिट्टी है जड़ी किसी बेगुनाह के लहू में रंगी हुई है की पे कहना चाचा इस मिट्टी नु सुंघ के देख तू अपने प्यो दे लहू नु पछाड़ लेगा मेरे प्यो दे लहू और जे हाली भी यकीन नहीं आया तो इस मिट्टी नु अपने हाथ नाल हटा के वेख इस मिट्टी के थले तेनू अपने प्यो की लाश नजर आएगी की तोहफा ले आया चाचा यार ते तेरे प्यो दे कातल दी धी वास्ते इस तो चंगा तोहफा केड़ा हो सकता है ओ मेरे यारा ओए अखां खोल के वेख ते सही ओ तेरा पुत्र शेर वर्गा जवान हो गया बस कर चाचा मैं अपने लहू नूं ते नहीं सब पछाण सकिया पर तेरियां गल्लां सुन के मेरी अखां च खून जरूर उतर आया शानू मेरे प्यो के कातल की थी कातल दे पुत्र को तेरे खून दे हो जा बदला लांग आपा तू दी मां ते बहन दे बहन तू कबरे सुन लेगा अन नहीं यो पुत्रा अकबर नु कतल करके तैनू फाय लगन दी की लोड़ है और मैं तैनू जिउंदिया वेखना चाहना तू ते मेरे मोए यार दी निशानी है अकबर नु कतल मेरा प्राप शीरा करेगा नहीं चाचा ये पुत्र क्या ही तो हुन मैनू पुत्र ना बना और दे खून इस मैं हाथ लगाऊंगा ना पुत्र होवेगा ओखी जो तू चाहेगा एहो जे काम जरा सोच समझ के करी देने वो जिदे नाल सप भी मर जाए ते डांग भी ना टूटे बदला लैन तो पहले साढ़े ना सलाह कर ले साढ़े चट्टे भी कभी हरे नहीं हुए अच्छा रब राखा ¶¶
ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ सोचना शानू जेड़ा तोहफा चाचा फैजू दे गया वो मैं तेनू देवा कि ना ऐसे विच सोचने वाली केड़ी गल है मैं भी ते वेखा तुहाडा चाचा मेरे लिए की तोहफा लिया है तोहफा भावे ना देना पर गल ते करो पहला मैं अपने मामे नाल गल करा वा तोहफा आके देंगा मामा इस तस्वीर नु पछानना उतनी तस्वीर तन किने दिती सवाल ना कर जवाब दे मामा ए तेरे प्यो दी तस्वीर है मेरे प्यो नु किने कतल कीता सी जिन्ने तन्नु ए तस्वीर दिती है ओने तन्नु दे कातल दा नाम ही जरूर दस दित्ता होवेगा पर तू ए गल अज तक मेरे को लुकाई क्यों रखी मामा सानू मेरे प्यो दे कातल दी धी है तू मेनू व्याह तों पहला क्यों ना दस्या मैं अपने प्यो दा कतल ते मान नाल कीता है वादा भुल ही गया सां ते तू मेनू याद क्यों ना कराया पुत्रा जिन्हें तेन पुरानी गल याद करा देती है वो तेरा सज्जन नहीं दुश्मन है पर मेरा दुश्मन ते अकबर है मामा अकबर का की कसूर है पुत्र जुर्म ते मेरे प्यो ने भी कोई नहीं किया पर अकबर दे प्यो ने तेरे प्यो नु जान बुझ के ते कतल इसी किया कुछ भी हो मामा मैं अपनी मां की रूह खुश कर ले प्यो दे कतल दे बदला जरूर लवांगा रब खैर करे अज 15 साल बाद अनवर दे सीने विच इंतकाम की अग फेर बल पई है ते हुण ये अग दा शोला चाचे जमाल दी पग ताईं अपणन तो पहला मैं पहुंच जाना चाहिदा है शानू दा एक प्यो तेरे प्यो दे कातल दिती है तेरे प्यो दे कातल दिती है शानू बेचारी है ते बेकसूर पर मैं भी मजबूर हाँ प्यो दे जुर्म दी सजा मैं तीनू नहीं देना चाहता पर मैं माफी तो नहीं कर सकता तुहानू की हो गया तुसा रोटी भी नहीं खाधी मैं दसो तुम की परेशानी है मैं तुहाडा दुख मंडा लांगे आखिर मैं तुहाडी बीवी हाँ एहो ही तो वड्डा दुख है शानू कि तू मेरी बीवी है मेरे कोलों कोई गलती हो गई है तो माफ कर दियो तुसी ते मेरे मजाजी खुदा हो तेरे मजाजी खुदा नू मेरे खुदा ने बड़े वड्डे इम्तिहान च पा दिता शानू कुछ समझ नहीं आउंदी की करां मैं दसनी है तुसी की करो गरम गरम दुध का गिलास पी के आराम न लेट जाओ मैं थोड़े पैर कुटांगी ते तुहाडी सारी परेशानी दूर हो जाएगी मैनू किसी शहर की लोड़ नहीं शानू मैनू तेरी भी लोड़ नहीं जा चली जा जा चली जा जीजा जीजा जी चौधरी जी छेती नाल घोड़ी ते काठी बाग लिया जी बहुत अच्छा जी पर किथे तेरे पेट पिंड तुसी अपना दुख ते मैनू नहीं दसिया हुन मैनू मेरा कसूर ते दस दियो कसूर ते मैं बाद ही दसांगा पहला तेनू तोहफा ते दे दिया जेड़ा तेरे लिए चाचा फैजू लैके आया सी अपनी इज्जत दे सिर तो इज्जत ला दी जी ये नंगा सिर मैं उस बिट्टी नाल कटांगा जेड़ी मेरे प्यो दे खून नाल लगी हुई इस तरह मापियां दे घर जाके अपने भरा अकबर नु कवी
इन्हें मेरा दुपट्टा लाया और तेरा सिर लान भी आ रहा है। रब का वास्ता जरा हनेरा पाना, मेरा तो इको एक वीर है, मेरी एक अख वीर रोवेगी तो दूजी सुहास इतने ना रो सानू, यथू ना ही लै जा भरा की लाश से दस के बहन पा दे। चौधरी जी एक ही जुलम करन लगे हो, अपनी इज्जत नंगे सिर करो। इसे लिए इस वे टोरन लगा, ये मेरी इज्जत है अकबर की गैरत है। मेरी इज्जत नंगे सिर रात के हनेरे चो मेरे पिंड चो निकलदे कोई नहीं देखेगा। इनू अकबर दे पिंड उस वे लैके बड़ी जिस वे सूरज चढ़िया हो, ताकि अकबर की गैरत नंगे सिर सारा पिंड वे। दुपट्टा राज सानू सिर ते ना लैन दे, नहीं तो मैं तेरा सिर ला दें। बहुत अच्छा चौधरी साहब, नाले अकबर नू कह दे भैन नू नंगे सिर वेखन तो बाद मौत का मूंह वेखन लई तैयार हो जाए। मैं दिन के चन प्यो के खून का बदला लैन आवांगा। हाय बाबल एक गुना सी कीता, बाबल एक गुना सी कीता, पै गया जो तीनू परना, इस जुर्म दी सजा नहीं मुकनी, इस जुर्म दी सजा नहीं मुकनी, जद तक तत्तिए तू नहीं मरना, लुट लिया वैरिया वैर कमा के, लुट लिया वैरिया वैर कमा के तेरा हार सिंगार। नारो चुप चुपी ते असैल है किस्मत दाएवा, बाबा रबा कुदरत तेरी, बाबा रबा कुदरत तेरी। इस गल का डर है चाचा, अनवर कहता सी व्याह तो पहले मैं यह क्यों नहीं दसिया कि शानो मेरे प्यो के कातल की धी है। कितने ये ना हो गया, अनवर गुस्से में आके शानो बेचारी से कुछ जुलम कर बैठे। मामा अनवर ने फैजू के कहते उस दिन मेरे घर च कंजरी नचाई थी, मैं मां के कहते चुप हो गया सा। जे हूं उन्हें प्यो का बदला लैन ली मेरी भैन से कोई जुलम किया तो मैं उसका सिर ला दिया। नहीं यार चलिया पुत्रा, अनवर तेरा भरा है, मैं हमने शेर मोहम्मद नाल जाके अनवर नु समझाना, आपे ठीक हो जाएगा। अजीजिया की आया तेन? चौधरी जी अनवर ने ताड़ी पैर शानो नु बोलते थी होश कर, शानो देखी जुलम की अनवर ने शानो की इज्जत नु मार गई। मेरी धी नाल पता नहीं की जुलम हो गया। मां मेरी भैन नाल जुलम होया ये तू कन्नो ना सुनया, हुन अनवर की लाश अपनी अखा नाल वेखी
बस तकदीर हो न फटला, बस तकदीर हो न फटला, है नहीं जख्म बथेरे, लग गए वीरां दे दिल विच, लग गए वीरां दे दिल विच नफरत दे हुण डेरे, खबरे हुण की रंग बखावे वैर दिए दीवा, तेरिया तू यो जाए दाता, तेरिया तू यो जाए दाता, तू यो बख्शनहार, तू यो गोलियां मारांगा, तेरी मां नूं तेरे सीने दा पट मेरे प्यो दी कबर कोलों बहुत डूंगा नजर आएगा। रोवे बंदूकड़ी नूं अपने प्यो दे खून दा बदला लैण लई जवानार मेंडल कर दो, ओए बेगैरता मेरी मजलूम बहन दा जुल्म क्यों कीता ई? ओए जे बहन दा बदला लैण है ते फिर खाली हाथ नहीं सी आउणा, बंदूक नाल लैके आउणी। ओए प्यो दे खून दा बदला लैण लई बंदूक दी लोड़ हुंदी है, ते बहन दी इज्जत दा बदला लैण लई बंदूक दी नहीं गैरत दी लोड़ हुंदी है, ते ओ मैं नाल लैके आया। ते फिर न्याथे ते वार करना ही बेगैरत दा काम ई। बंदूक दे के किने गोरिया सी मैं शानो मार दे, पर मेरी गल सुन ले, तेरी भैन शानो दी इज्जत खतरे विच सी। ओए की पे कहने शीरा, तेरी भैन नु चुक के अपनी पुरानी हवेली च लै गई। शीरा शीरा,
शेरे दे पंजे चो अज तेन कोई नहीं छुड़ा सकता। शानो अकबरा मां की चादर से खो के लै गया थी, पर अज भैन की इज्जत बचाने लई आप नहीं आएगा, ओदी मां साथ नहीं आएगा। शेरिया फैजू जिहा मकार सियासत नाल भरा दे हथों प्राण भी मरवा सकता है, पर तेरे जिहा बदकार ताकत ने मेरी इज्जत नहीं उड़ सकता। इज्जत बचाने लई जान देनी पैंदी, ते जान बड़ी प्यारी हुंदी है। मुंह कहना सौखा है पर जवानी की मौत मरना बड़ा औखा कम। गैरतां वाली मावां तीआं नूं तुरंत जाए सखाण तो पहला इज्जत बचाने लई मरना सखा दिंदियां ने। जब ताईं मेरे दिल की हसरत नहीं पूरी होगी तेनों मौत भी नहीं मार सकती। कन खोल के सुन ले, आज जानवर जेल अकबरा कब्र ते तू मेरी बावन च रात गुजारेंगी, और मैं शेर नहीं दा दुध पीता होया। वे शेर नहीं दा दुध पीन वाले, जे किसी गैरत वाली मां दा दुध पीता हुंदा ही ते तेनों पता लग जांदा कि भैणां दी इज्जत की हुंदी है। रब दी सौ भैणां दी आवाज सुन के ते गैरत वाले भरा कब्रां च भी उठ के आ जांदे ने। जे यकीन नहीं आंदा ते मैनूं हाथ लाके देख। जे गल है ते फिर अज अपने प्राण भी वाज मार के देख, ते खुदा नूं भी मैं वेख लै पहला तेरी आवाज रब सुनदा है के भरा। जिस भैन का भरा जीता हो भैन खुदा आवाज नहीं मारती, दस मैं तेरे सीने च कितनी अग गोलियां मारा। मैं इतने ते वार करना जो मेरे सामने अकबरा, और जे गल ते फिर मैं तेन गोलियां नहीं कुत्ते की मौत मारागा। ने मेरे कने दे ठंड पा दी है।
ठंड पा दी है। आखरकार तैपे आखरकार बाबा रब्बा कुदरत तेरी बदले रंग हजार बदले रंग हजार बाबा रब्बा कुदरत तेरी बदले रंग हजार।